गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, हम लोग ना रात को काफ़ी लेट हो गए थे, और फिर काफ़ी लेट होने के बाद जो बाकी बिहारी मंदिर है ना, वो तो हो गया था बंद। तो हम आ गए थे सीधा यहाँ पर प्रेम मंदिर में, और प्रेम मंदिर में भीड़ देख लीजिए आप कितनी है। इतने सारे भक्त आए हुए हैं, इतने सारे भक्त आए हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। और ये जो दिन है ना, ये है 24 फरवरी का। तो 24 फरवरी का दिन है, उस दिन देख लो आप कितनी भीड़ है। तो जो भी 24 फरवरी को यहाँ पर आए हुए हैं वृंदावन, तो उन्हें ये चीज़ पता होगी कि आज के दिन कितना कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर बस हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये है प्रेम मंदिर का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, देख लीजिए। रात के समय प्रेम मंदिर देखने का एक अपना अलग ही सुकून है, इतना प्यारा लगता है ना, लाइटों की जगमगाहट में बहुत सुंदर लगता है प्रेम मंदिर। देख लीजिए आप, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अलग अलग कलर्स, और इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा। इधर कृष्ण जी की इस तरीके से झांकियां बनी हुई हैं, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही सुंदर। जो लोग आए नहीं है ना, उन्हें ज़रूर आना चाहिए वृंदावन में, इस मंदिर में एक बार ज़रूर आना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग है और कितना सुंदर लग रहा है रात के समय, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलिए, बने रहिएगा आप व्लॉग में और देखते रहिएगा व्लॉग को। पैसे नहीं भरा जी फोन। चारों तरफ से दोस्तों देख लीजिए कितनी रौनक लगी हुई है ना, सब लोग कैसे। प्रेम मंदिर देखने का ना रात का अपना ही मजा है, बहुत सुंदर दिखता है रात में और बहुत ही प्यारा दिखता है। पूरा घूम कर देखने में काफी टाइम लग रहा है हम लोगों को, तो देखते हुए जा रहे हैं। पानी नहीं आता। अंशुल तुम आ जाओ ग्रुप में, आ जाओ सारे सिंगर के बजाय, देख सारे ग्रुप में आ जाओ, एक सेल्फी खींच लो। सारे जेंट्स पीछे पहले तो बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, और पूरा देखने में काफी टाइम लग गया हम लोगों को। एक घंटा तो ना बाहर का ही जो है ना, वो देखने में लग जाता, फिर अंदर भी काफी बड़ा मंदिर है। अभी दिखाती हूँ आपको। जय कन्हैया लाल की, राधे राधे। ये वाली बना, ये वाली बना, वहाँ से आगे जाके बनाएगी ना थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देख लीजिए बाहर से प्रेम मंदिर, ये जो मेन डोर है इससे जाना है हमने अंदर। अब दिखाऊंगी मैं आपको अंदर का नजारा कैसा लगता है। मंदिर में आ गए, मंदिर में साथ रही हूँ।
मन इसलिए कर दिए वीआईपी हो गया ना। तो ये है सुखदेव जी महाराज जी, देख लीजिए आप। और अंदर ना बहुत ही भव्य मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर। श्री कृष्ण, राधा जी, राम जी, सीता जी, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, इतनी सुंदर तरीके से, इतनी अच्छी नक्काशी करी हुई है ना अंदर। ये देखिए ऊपर झूमर लगा हुआ है, इतना प्यारा मंदिर है ना ये, इतना सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही। और ज़्यादा ना कैमरा अलाउ कर नहीं रहे थे, बार बार कैमरा नीचे करना पड़ रहा था। ये देखिए सामने ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, राम सीता जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। और एकदम कैमरा ना फोकस उनकी मूर्ति पे नहीं करने दे रहे थे, तो दूर से ही जितना आपको दिखा सकती हूँ ना उतना दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना प्यारी नक्काशी करी हुई है, ऊपर भी नीचे भी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। पूरा घूमकर अच्छे से हमने देखा, लेकिन भीड़ इतनी थी ना, तो इतना ज़्यादा जो है ना फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम अब बाहर की तरफ आ रहे हैं, और देख लीजिए आप बाहर भक्तों की भीड़ देख लीजिए आप, एकदम पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा वृंदावन में आज के टाइम पर भीड़ है। और हम लोग आ गए थे अब प्रेम मंदिर देखने के बाद बाहर, और बाहर आकर अभी हम रूम जो है ना वो देखने गए हैं। तो रूम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक चाय की दुकान पर वेट कर रहे हैं, और जो जेंट्स हैं वो वहाँ गए हुए हैं सब। अभी दोस्त सामने एक धर्मशाला मिली है, वहाँ पर जो है हम लोग रूम देख रहे हैं। वैसे बहुत जगह पता कर लिया कहीं पर भी रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये गए हुए हैं अभी पता करने के लिए, तो देखते हैं पता है कि नहीं, जैसे भी होगा। वेटिंग चल रही है कमरे की, चले नहीं मिल जाता रूम तो सही रहता। यहाँ नहीं मिल रहा रूम? नहीं ना, यहाँ क्या जा रहा है? पता नहीं, मना ही कर रहे हैं, भरे पड़े हैं सब, पता नहीं। तो सारी जो धर्मशाला है दोस्तों वृंदावन की, सब भरी हुई थी, इतनी ज़्यादा रश है ना यहाँ पर कि सब बुकिंग हो रखी है पहले से ही। हमने भी बुकिंग कराई थी लेकिन हो नहीं पाई थी। तो फाइनली खाना तो खा लेते हैं, फिर देखते हैं रूम का भी क्या इंतज़ाम होता है। तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। यहाँ से खाना खा के दोस्तों हम लोग निकल गए हैं, अभी भी रूम ढूंढ रहे हैं, स्टिल ना वो रूम नहीं मिला हम लोगों को। देखते हैं कहाँ, देखते हैं आज रूम मिलता है या नहीं। व्लॉग में आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि हमें रूम मिलता है या नहीं। हाँ तो ऐसे चले नहीं हो, एक बार उसको वहाँ दो एक मैंने देखे थे, मैंने पूछा भी था। मंदिर